पत्नी उधर से क्या कहती है फोन पर कि तुम लेने आओ, वो जिद करती है मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप प्रति गीत में आनंद लेना। कि रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, मैं पप्पू संग भाग जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम था यार कि तुम इतने इंटेलिजेंट लोग हो। कि रोज लगाओ फोन भले पर लेने मत आइयो, मैं पप्पू संग भाग जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू पप्पू के संग जाएगी मैं पप्पू की ले आऊंगा। वाह वाह वाह। बस बहुत अच्छे मुकेश भैया। नहीं बाबा, तुम्हारी टीम बहुत जिंदा दिल है। तू पप्पू के संग जाएगी मैं पप्पू की ले आऊंगा, तू दूल्हा उसे बनाएगी मैं दुल्हन उसे बनाऊंगा, न तुम जाओ ना मैं लाऊं दोनों मिलजुल के रहियो, मैं ट्रेन में बैठ के आती हूँ तुम लेने मत आइयो। वाह। अरे क्या बात है। हो जाता हुआ साहब। अच्छा अभी क्या हुआ, पिछले दिनों साहब मैं बाजार में सब्जी लेने गया। वाह बहुत बढ़िया। पत्नी ने कहा कि जाओ सब्जी लेकर के आओ, मैं बाजार में सब्जी लेने गया, वो ठेले वाला सब्जी पे पानी छिटक रहा था। आदरणीय, मैंने 3 मिनट वो दृश्य देखा, फिर उस सब्जी वाले से कहा कि ये होश में आ गई हो तो आधा आधा किलो तोल दे। उसने अपनी बात रखी, अपन ने अपनी बात रखी, वो प्रतिगीत बना। मैं निवेदन करता हूँ, सुनाता हूँ। वाह। क्या कहता है वो, कि बिका नहीं है एक भी आलू, बिका नहीं है प्याज, अरे जितना पैसा लगाया इसमें मिला न उसका ब्याज। कि छोरा सब्जी बेचन वाला, कि छोरा सब्जी बेचन वाला, रे बेचे बैंगन काला काला, सब्जी बेचन वाला क्या कहने, बेचे बैंगन काला काला, इसकी मती गई थी मार जो खोली सब्जी की दुकान, के छोरा सब्जी बेचन वाला, बेचे बैंगन काला काला, सुखी भिंडी बिचारी रे गई थी कुंवारी, भिंडी बिचारी रे गई गिलकी कुंवारी, नींबू अदरक धनिया मिर्ची सब रो रहे बेचारे, आधे वेंटिलेटर पे आधे अल्लाह को प्यारे, मेथी पालक भी पड़े बेहाल, के छोरा सब्जी बेचन वाला, रे बेचे बैंगन। वाह क्या कहने भरत भाई। वाह वाह, सत्यनारायण भगवान की ये करना पड़ता है। भगवान की कथा होती थी तो हरे हरे बोलता था, इसका मतलब ये होता था कि पंडित जी को थोड़ा सहारा मिल जाए। और कवि सम्मेलन में ये है कि जब कविता खत्म होती है आप लोग ताली बजा दो तो हम थोड़ी सांस वास ले लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं हो। तो ये होता है सब। अच्छा क्या हुआ, मैं तो अभी मैं बचपन से ही होशियार हूँ। अभी पिछले दिनों हमें जब छोटा था ये बेटा बैठा ना, इतना ही बड़ा था मैं, हमें ऐसा ही लगता था। तो मेरे घर में चोर घुस गए। अब वो चोर घुस गए साहब, मेरी दादी माँ के गले पे चाकू रख दिया, बोले बुढ़िया तेरा नाम बता, बोले राम कन्या। चोर रोने लग गया, बोले मेरी माँ का भी नाम राम कन्या है, जा तेरे को छोड़ दिया। फिर मेरे को पकड़ लिया, मेरे गले पे चाकू रखा, बोले तेरा नाम बता। मैंने कि वैसे तो मेरा नाम भरत है पर प्यार से सब मेरे को भी राम कन्या ही कहते हैं। क्या स्थितियां साहब। अच्छा अच्छा, अभी एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि क्या तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो, मेरे बात से तो बंदर।
अनिल जी मैंने 25 दिन तक पेड़ पे चढ़ने की प्रैक्टिस की और बड़ा खुश होकर के पत्नी के सामने गया। मैंने कहा मैं पेड़ पे चढ़ना सीख गया हूँ। बोले इसमें कौन सी नई बात है, पेड़ पे समझ में नहीं आता। अच्छा मैंने हमारे यहाँ एक नौ भाई है साहब, मुकेश भैया एक बात की बोला, हाँ नौ भाई। अब वो मैंने एक दिन एक उससे जो सबसे छोटा हुआ अपना मित्रवत व्यवहार था उससे मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा यार तुम नौ भाई हो तो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तो बोले यही करते थे। फोटो वोटो हो गए। अच्छा मैं अभी फिर प्रतीकी सुनाता हूँ आपको। अभी क्या हुआ साहब, हमारे यहाँ जीजा जी आए मंडप के दिन, गाँव में शादी थी और वो जैसे ही जीजा जी की आवश्यकता पड़ी तो जीजा जी मिले कल्लाली पे। किसी ने कहा कि जाओ यार तुम उनको समझा के लाओ, और जीजा जी क्या हुआ कि कलाली पे भी इतनी पी ली उनने कि उसके आगे एक नाली थी तो नाली के पास गटर के अंदर पड़े हुए थे और उस गटर में एक सुअर भी पड़ा हुआ था। तो जीजा जी उस सुअर की पूंछ को पकड़ते हुए कहने लगे क्यों तूने कल तो दो चोटी करी थी आज एक ही। अपन ने वहाँ से आदरणीय प्रतिगीत लिखा, सुनिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा प्रतिगीत। वाह वाह, नहीं आपको अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है ना। ताली बजाओ यार, दोनों पार्टी को अच्छा लगना चाहिए। तो मैं अपने गीत गाए जब ने तुमको मजे नहीं आए तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपको मजा आ रहा है तो मेरे को भी आ रहा है, इसी में आनंद है। तो अपन ने प्रतिगीत लिखा, सुनिएगा। बाद साहब हमारे बाबूजी डंडा लेकर के बैठे हुए हैं, नहीं आपका भले ही हथियार है लेकिन हमको उससे बहुत डर लगता है। अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में ऐसे ही बाबूजी डंडा लेकर के बैठे थे। मैंने कहा मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। बोले तू तेरा काम कर, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने तेरे को बुलाया है। ऐसा नहीं करना, आप अपना डंडा थोड़ा साइड में रख लो तो बहुत कृपा होगी। वाह भरत भाई वाह। तो अपन ने प्रतिगीत लिखा, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है भैया, है ना, सुनिएगा। कि ना घर में ना ही घर वाली में चैन मिलता है तो जीजा जी को बस कलाली में। क्या कहने बाबा, बराबर झूम जीजा जी, झूम बराबर झूम, वाह वाह बराबर झूम जीजा जी, झूम बराबर झूम, मस्त मगन है लागी लगन है, मस्त मगन है लागी लगन है, नाली के पानी को चूम 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 झूम बराबर। क्या कहने भरत, ताली ताली बजाओ थोड़ी यार। वाह 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 भरत भाई वाह वाह वाह। झूम दे अपन ने लागी लगन सुनने के लिए, ताली नहीं बजे एक घंटे तक झूम बराबर ही करा देंगे। फिर सब ने ताली बजाई में, फिर एक मिनट में दे दिया उनको। इससे पहले भी यहाँ कई जीजा जी आए हैं इस तरह नाली के पानी से ना नहाए हैं, अपने हिस्से की उन्होंने रखी थी मर्यादा, माना कि पीते थे मगर नहीं पीते ज्यादा। लोग कहने लगे कि कैसा ये जवाई है, क्या बात है, अपने हिस्से की इज्जत भी तो गवाई है, खत्म हुए पैसे घर जाए कैसे, खत्म हुए पैसे घर जाए कैसे, मच रहे हैं धूम 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 बराबर धूम। क्या कहने, वाह 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 वाह। ये